सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए। अशोक, हम देख रहे हैं दिल्ली में तो जिस तरह से इंडिया अलायंस के तमाम नेता एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपी में भी क्या वो एकजुटता नजर आएगी, खासकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव के बीच किस तरह से बयानबाजी चली थी, तल्खी देखने को मिली थी, आज जब ये विरोध प्रदर्शन होगा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर, इंडिया अलायंस के नेता यूपी में एक साथ नजर आएंगे या फिर अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का राजा रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस एक साथ होगा, इस बात का दावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से किया जाने लगा है। पहले जो बात आपने कही कि अखिलेश यादव और अजय राय के बीच बहुत ज्यादा तल्खी देखने को मिली थी, वो मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव मौजूद रहे, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दोनों ही नेताओं ने गठबंधन पर खुलकर कुछ भी बोलने से मना किया और ये कहा कि इसका फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, यानी कांग्रेस की तरफ से जो उनका आला कमान दिल्ली में है वो निर्णय लेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बात निर्णय लेंगे। तो दोनों ही लोगों ने विवाद की स्थिति में एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश की है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या उत्तर प्रदेश में दोनों दलों के नेता एक साथ दिखाई देंगे, तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सांसदों के निलंबन का मुद्दा है उसको एक बड़ा मुद्दा बताते हुए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। सभी जिलों में, यानी राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के नेता सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को सबके सामने रखेंगे। और कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में दोपहर 1 बजे से वो जो बेगम हजरत महल पार्क का इलाका है वहां से लेकर डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन के पैदल मार्च के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से दिल्ली में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, या यूं कहें कि इंडिया अलायंस के लीडर एक साथ आपको नजर आएंगे, तो फिलहाल राजधानी लखनऊ में ऐसी कोई स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर कांग्रेस अलग प्रदर्शन करेगी, समाजवादी पार्टी अलग प्रदर्शन करेगी। अब इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत इस लिहाज से भी है कि चूंकि इंडिया गठबंधन का दावा तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो सीट शेयरिंग की बात होती है, सीट बंटवारे का मामला होता है, उस पर तस्वीर अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं है। लिहाजा एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन एक साथ एक मंच पर फिलहाल यूपी में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो अभी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से जो कड़े तेवर थे वो फिलहाल नरम होते हुए देखे गए हैं। तो आज सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रदर्शन करने वाली है, और जो कांग्रेस है वो एक कम दूरी की एक पैदल मार्च आज निकालने वाली है राजधानी लखनऊ में, और डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा कि सांसदों के निलंबन जो किया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनुचित है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तीसरी एक सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जिस अलायंस की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, लोकदल के अलावा तमाम सारे और भी छोटे दल हैं जो कि अलग अलग अलायंस में शामिल हैं। तो अभी जब तक एक बार खुले तौर पर अलग से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की या दूसरे दलों की बैठकर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो जाती है, सब कुछ पुख्ता नहीं हो जाता है, तब तक ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन अब दम दोनों तरफ से भरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, कि वो इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और एनडीए को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब बैठक होती है इंडिया अलायंस की तो एकजुटता नजर आती है, सभी नेता एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं, लेकिन आज यूपी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कांग्रेस अलग से विरोध प्रदर्शन निकालेगी, समाजवादी पार्टी अलग से निकालेगी, ये क्या संकेत देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा।